Hi there, KP fam. Welcome back to part 2 of Nykaa Pink Friday Sale Recommendations. और आज की वीडियो में जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ होने वाले हैं अमेजिंग से स्किन केयर और हेयर केयर रिकमेंडेशंस. पार्ट 1 में मैंने मेकअप रिकमेंडेशन शेयर करे थे. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो. और आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना कोई टाइम वेस्ट किए. सो या लेट्स गेट रोलिंग. सबसे पहले मैं आपके साथ करने वाली हूँ स्किन केयर रिकमेंडेशंस जो मेरे कुछ फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं. द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू ऑल इज दिस वन. दिस इज द डॉट एंड की सनस्क्रीन. ये है डॉट एंड की वाटरमेलन कूलिंग सनस्क्रीन जिसमें आपको मिलता है SPF 50 प्लस एंड PA प्लस 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 फॉर्मुलेशन. इट सेज बेटर वाइटामिन ई एब्जॉर्प्शन. ये आपको UVA UVB रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. व्हाइट कास्ट नहीं देता एंड दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री. 50 ग्राम वाली क्वांटिटी है. ये पैकेजिंग है बेसिकली. मुझे इसमें बेस्ट चीज क्या लगती है ना, इट हैज वाटरमेलन इन इट एंड एज इट सेज इट्स अ कूलिंग सनस्क्रीन. ट्रस्ट मी गाइस, इट इज लाइक लिटरली जब आप अपनी स्किन पे इस तरीके से इसकी एप्लीकेशन करते हैं ना एंड यू ब्लेंड इट आउट, यू फील दैट कूलिंग सेंसेशन. आई डोंट नो वो किस तरीके से आती है बट इट फील्स सो नाइस. 50 SPF के साथ साथ आपको बहुत अच्छी सी कूलिंग भी मिल रही है. ऐसा नहीं है कि जितनी देर सनस्क्रीन लगी रहेगी उतनी देर आपको कूलिंग मिलती ही रहेगी. कुछ सेकंड्स तक आपको बहुत अच्छी सी कूलिंग सेंसेशन मिलती है, थोड़ी देर के बाद वो रिमूव हो जाती है, हट जाती है. ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम पंखा लगा हुआ है इसके अंदर. नो गाइस, बिल्कुल भी नहीं. थोड़ी देर तक बहुत अच्छी कूलिंग सेंसेशन रहती है बट वो बहुत ही ज्यादा नाइस और कामिंग लगती है बिकॉज इतनी गर्मी हो रखी है ना एकदम से, पता नहीं क्यों ये इतना बढ़िया वर्क करती है. फर्स्ट अप तो व्हाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं है, जैसे आप खुद देख सकते हो. इंस्टेंटली आपके स्किन के ऊपर विद इन सेकेंड अब्सॉर्ब हो जाती है बहुत अच्छे से एंड UVA और UVB दोनों रे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है. दिस इज लिटरली सुटेबल फॉर ऑल द स्किन टाइप्स. सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिकमेंड दिस टू यू ऑल. इस समझ में आपका एक अच्छी अगर सनस्क्रीन ट्राई करनी है ना, आप कोई तलाश कर रहे हो अच्छी सनस्क्रीन की, तो इसको आप डेफिनेटली ट्राई आउट करो. नाउ अभी सन प्रोटेक्शन की बात हो रही है तो मैं एक दूसरा अपना फेवरेट सनस्क्रीन शेयर कर देती हूँ विच इज दिस वन. दिस इज द डर्माको की सनस्क्रीन स्टिक. ये हायलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन स्टिक. इसके अंदर है सेरामाइड. ये आपको UVA और UVB रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. नीचे सब यू नो बेसिक डिटेल्स वगैरह लिख रखी हैं कि आप ये इसको 26 तक यूज कर सकते हो. मैंने इसको 23 में परचेज किया था तो बेसिकली मैं इसको 3 साल तक यूज कर सकती हूँ विच इज एन अमेजिंग थिंग. दिस इज हाउ यू ओपन इट अप एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है आपकी सनस्क्रीन. नाउ द रीजन आई लव दिस सनस्क्रीन सो मच, फर्स्ट अप इसके अंदर भी कोई व्हाइट कास्ट नहीं है. यू कैन टेक अ लुक एट दैट. इट डजेंट इवन लुक लाइक यू हैव अप्लाइड समथिंग ऑन माई फेस. आप देख सकते हो कोई भी ग्रीसीनेस नहीं दे रही है, एडिशनल ग्रीसीनेस ये नहीं दे रही है मेरे फेस के ऊपर. दिस इज वेरी वेरी नाइस. ये ना एकदम आपको मैटिफाइंग से फिनिश देती है जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है बिकॉज समर्स में ना अगर आपका फेस वैसे ही थोड़ा बहुत यहां से शाइनीनेस होती है आपके फेस के ऊपर, उसके ऊपर आप एडिशनल शाइनीनेस दे दोगे तो बहुत ज्यादा वियर लगने लग जाती है. इट्स सुपर सुपर लाइट वेट, बिल्कुल भी फेस के ऊपर फील नहीं होता आपने कुछ लगा रखा है. बहुत ही ज्यादा अच्छे से स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाती है. इफ यू फील लाइक कि आपको हल्का सा हैवी हो भी रहा है, आप इस तरीके से एक बार हल्का सा ना हाथ फेर के उसको अच्छे से अब्सॉर्ब करवा सकते हो स्किन में. बट ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट एंड अगर आपको एक अच्छी पोर्टेबल सनस्क्रीन स्टिक चाहिए तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट. नेक्स्ट प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू शेयर इज दिस वन विच यू डेफिनेटली शुड हैव इफ यू आर एन इंडियन गर्ल विथ पिगमेंटेशन बॉडी डार्कनेस. This is the thing you have to try. ये है The Ordinary का glycolic acid 7% toning solution. Now, even though it's a toner, it's a toning solution, I do not use this on my face to be very, very honest with you all. जब ये मुझे रिसीव हुआ मैंने 3 से 4 बार इसको अपने फेस पे यूज किया एंड मुझे ब्रेकआउट हो गए जिसके बाद मैंने इसको यूज करना बंद कर दिया. Now, the places where I love using this, first up in my underarms, I am a kind of person who get underarm darkness very easily. मैं अगर 2 दिन भी लगातार deodorant अगर लगा रही हूँ ना, मुझे कहीं जाना है और मैंने लगा लिया तो मुझे instant darkness जो वो देखने को मिल जाती है, ठीक है. या फिर जो हमारा ये area होता है, you can totally take a look, यहाँ पे मेरी darkness बहुत कम है. Normally यहाँ पे knuckles पे आपको बहुत extreme darkness देखने को मिलती है या फिर इन वाले areas पे, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा darkness देखने को मिलती है. I love using this on those parts, जैसे मेरा नीज हो गया, अंडर आर्म्स हो गया, नकल्स हो गए, ठीक है, एल्बो हो गया, इन एरियाज पे ये बहुत अच्छे से एक्सफोलिएशन करता है. इट्स बेसिकली अ केमिकल एक्सफोलिएंट. जब आप अंडर आर्म्स पे इसको यूज कर सकते हो ना डेली बेसिस पे, आप इवनिंग में कर लो, मॉर्निंग में कर लो नहाने के बाद, यू जस्ट हैव टू टेक अ कॉटन पैड, थोड़े से ड्रॉप्स उस पर ले लो एंड क्लीन इट नाइसली. आपको लिटरली विजिबल रिजल्ट देते हैं इन अ फ्यू डेज. बट मेक श्योर अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो यू हैव टू स्किप यूजिंग डिओड्रेंट और एनी प्रोडक्ट विद फ्रेग्रेंस डायरेक्टली ऑन योर स्किन, ठीक है. कई बार होता है ये जेनेटिकली भी होता है, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि विद एज यू आर सीइंग दिस थिंग,
फर्स्ट स्टेप तो डिओड्रेंट्स वगैरह यूज करने छोड़ दो, डायरेक्टली कुछ रोल ऑन वगैरह जिस भी चीज से आपको डार्कनेस हो रही है यू हैव टू स्टॉप यूजिंग दैट फॉर सम टाइम, और आप इसको यूज करो, यू आर गोइंग टू सी अमेजिंग विजिबल रिजल्ट्स। नाउ एज यू ऑल नो आई लव एक्सफोलिएटिंग माई स्किन स्पेशली विद फिजिकल स्क्रबर्स। मैं केमिकल एक्सफोलियंट्स बहुत ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, मैं फिजिकल स्क्रबर्स भी यूज मतलब ज्यादा यू नो बिलीव करती हूँ, बिकॉज भले वो ओल्ड फैशन है बट आई स्टिल लाइक द वे इट वर्क्स, एंड दिस इज माई मोस्ट फेवरेट स्क्रब आई हैव टू से। दिस इज फ्रॉम प्योर सेंस, इट्स द पिंक गुआवा फेस स्क्रब, इसके अंदर नाइसिनमाइड एफ्रिकन मेलन एक्सट्रैक्ट, एंड द बेस्ट थिंग ये सूटेबल है फॉर सेंसिटिव स्किन, दैट इज द रीजन आई बॉट दिस वन। प्योर सेंस इज एन अमेजिंग ब्रांड, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं इनके, ठीक है। यू कैन टोटली टेक अ लुक, मैंने कितना ज्यादा एम्प्टी कर रखा है। आई यूज स्क्रब्स लाइक वंस और ट्वाइस अ वीक, एंड ये मेरे को अभी मंथ भी नहीं हुआ है रिसीव हुए, और अच्छा खासा मैंने इसको ऑलरेडी फिनिश कर दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप स्क्रबर्स में हमेशा बोलते हैं फिजिकल स्क्रबर्स अगर आप यूज कर रहे हो वो बिल्कुल भी हार्श नहीं होने चाहिए, बिकॉज अगर वो बहुत ज्यादा हार्श होंगे सेंसिटिव स्किन पे बहुत ज्यादा इरिटेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा माइल्ड स्क्रब है, लिटरली थोड़ी देर के बाद तो ऐसा लगता है कि आपके फेस के अंदर मेल्ट ही हो चुके हैं इसके अंदर जो गुआवा के पार्टिकल्स है। इट लिटरली स्मेल्स लाइक गुआवा, आप इसको स्मेल करोगे ना आपका ऐसा लगेगा आपने अमरूद काट के आप उसको स्मेल कर रहे हो, एकदम एग्जैक्ट वैसा है। सो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है यू हैव टू ट्राई दिस आउट। इसमें और भी आते हैं, येलो वाला आता है, आई डोंट रिमेम्बर उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, बट दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस। बेस्ट चीज ये है कि ये बहुत ही ज्यादा लाइट और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट स्क्रबिंग पार्टिकल्स है इसके अंदर, दैट इज द रीजन आई लव दिस अ लॉट। नेक्स्ट अप इज द मामा अर्थ उपटन फेस मास्क। नाउ इनिशियली पहले मैं मामा अर्थ के ना बहुत ज्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज नहीं करती थी, अभी भी नहीं करती टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑल, ठीक है। बट द बेस्ट थिंग मुझे इनकी क्या लगती है ना वो यही वाला ही प्रोडक्ट है। अगर मैं उनके स्किन केयर रेंज में बात करूं, आई लव देयर मेकअप इज अमेजिंग, बट स्किन केयर में दिस इज द ओनली प्रोडक्ट जिसने मुझे विजिबल रिजल्ट जो है ना वो दिखाए हैं। नाउ बिकॉज दिस इज एन उपटन फेस मास्क यू कैन टोटली अंडरस्टैंड व्हाई आई लव दिस। इस तरीके की आपको कुछ पैकेजिंग मिल जाती है, of product इट स्मेल्स लाइक मुल्तानी मिट्टी उपटन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स अदर थिंग्स, ठीक है। ये है इसके अंदर टर्मरिक सैफ्रन एफ्रिकॉट ऑयल और इट इज फॉर स्किन ब्राइटनिंग। लिटरली जब आप इसको लगाते हो ना यू फील कि आपने जब इसको रिमूव किया है योर स्किन इज ब्राइटनिंग। टैनिंग को रिमूव करने में बहुत हद तक हेल्प करता है। यू गाइस नो मैं अभी रिसेंटली गोवा गई थी एंड माई फेस वॉज लिटरली ब्लैक, मेरे शोल्डर से तो मेरा फेस मैच ही नहीं करता। नाउ यू कैन टोटली टेक अ लुक, इट्स बैक इन इट्स शेप, नो मेकअप ऑन माई स्किन एट ऑल एंड स्टिल यू कैन सी दैट ग्लो। इट works very very nice if you are also someone जिनको tanning की बहुत ज्यादा problem रहती है, skin dark हो जाती है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छे से help करता है। Next product is this one, this is the Cetaphil moisturizing lotion, it's basically for combination and a sensitive skin। इससे बहुत सारे variants आते हैं for dry skin, for oily skin, gentle and then this one is for sensitive skin, because I have sensitive skin इसलिए मैं कोई purchase करना पड़ता है। You guys know मेकअप करने से पहले इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज अ गुड मॉइस्चराइजर। आपका फेस अच्छे से मॉइस्चराइजर नरिश होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मेकअप पैची लगना स्टार्ट हो जाता है। एंड आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कि कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर शेयर करो जो बिल्कुल भी स्किन पे इरिटेशन ना करे, स्किन को अच्छे सूट कर जाए। Cetaphil is the one guys. Cetaphil is an amazing brand, well renowned brand है ये। कोई भी मेरे को नहीं लगता आज तक किसी ने यूज किया और बोला हो कि Cetaphil उनकी स्किन पे वर्क नहीं करता। Although it's not very fancy कि fancy packaging नहीं है या कुछ, बट जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है दैट इज मोर देन अमेजिंग। आई यूज द Cetaphil जेंटल स्किन क्लेंजर एंड आई यूज दिस मॉइस्चराइजर बिफोर डूइंग माई मेकअप, एंड ट्रस्ट मी अगर आपका एक अच्छा मॉइस्चराइजर आपको ट्राई करना है Cetaphil is the one। Next up I have here is this one. This is the Vaseline Hershey's Kisses Lip Therapy. I love this product so much. It smells like Vaseline. Like I have not used a lot. मैं इसको बहुत कम use करती हूँ because I only use this product before doing my makeup. जब मुझे makeup करना होता ना ओ माई गॉड इट स्मेल सो अमेजिंग। इसमें और भी आते हैं, एक रोज वाला आता है, बट मेरे पास यहाँ पे हर्शीज किसेस वाला है बिकॉज आई लव हर्शीज किसेस, ठीक है। आई यूज दिस बिफोर डूइंग माई मेकअप, बिकॉज क्या होता है जब हम मेकअप कर रहे तो फाउंडेशन लिप्स के ऊपर लग जाता है, कंसीलर लग जाता है, पाउडर लगा होता है, तो आपके लिप्स इतने ड्राई और क्रैकी हो जाते हैं ना लिपस्टिक लगाने से पहले कि लिपस्टिक लगाने के बाद लिप्स बहुत वियर्ड लगते हैं। लेकिन जब मैं इसकी एक अच्छी खासी लेयर लगा लेती हूँ ना माई लिप्स फील सो नरिश सो लाइक सो मॉइस्चराइज कि जब मैं फाउंडेशन अपने लिप्स के ऊपर से रिमूव करती हूँ ना मेरे लिप्स स्टिल बहुत अच्छे से नरिश्ड होते हैं और बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज होते हैं। मुझे बिल्कुल अपनी स्किन के ऊपर ऐसा फील नहीं होता कि मेरे लिप्स कहीं से क्रैकी लग रहे हैं, वियर्ड लग रहे हैं, लाइंस विजिबल हो रही है लिप्स की। दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट। ये थोड़ा सा कॉस्टली आ जाता है बट इसका रिजल्ट जाना गाइस वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अब बात कर लेते हैं हेयर केयर रिकमेंडेशन। एक बहुत अमेजिंग सा हेयर ऑयल मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ विच इज दिस वन। दिस इज द मामा अर्थ रोज मैरी हेयर ग्रोथ ऑयल। इसमें रोज मैरी के साथ साथ मेथी दाना है। नाउ आई विल डेफिनेटली नॉट से इट प्रमोट्स हेयर ग्रोथ बिकॉज मैंने अभी तक कुछ ऐसा हेयर ग्रोथ देखा नहीं है। ऑल्दो मैं डेली बेसिस पर
ऑयलिंग करती भी नहीं हूँ, बट मैंने अभी तक हेयर ग्रोथ नहीं देखी है इससे, ठीक है, एज इट सेज. लेकिन गाइज दिस ऑयल इज लिटरली मैजिकल. फर्स्ट ऑफ इसकी पैकेजिंग तो अच्छी है ही है, कोम वाली में आती है, तो इट्स वेरी इजी टू अप्लाई योर हेयर ऑयल. नाउ व्हेन यू अप्लाई दिस ऑयल, इट्स फर्स्ट ऑफ वेरी लाइट वेट, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, बहुत वियर्ड सी फ्रेग्रेंस नहीं है कि साथ से कोई निकल रहा है तो अरे यार इसने तो तेल लगा रखा, वैसी बिल्कुल भी नहीं है. इट हैज अ वेरी नाइस एंड माइल्ड फ्रेग्रेंस जो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रोज मैरी जैसी है. इट्स वेरी लाइट वेट, बहुत अच्छे से बालों में चल जाता है, ग्रीसीनेस नहीं करता कि तकिए पे ऐसे यू नो सराने पे आपने सिर रखा तो ऑयल ऑयल हो गया, बिल्कुल भी नहीं. एंड व्हेन यू वॉश योर हेयर आफ्टर अप्लाइंग दिस हेयर ऑयल, ओ माई गुडनेस, योर हेयर फील्स सो सॉफ्ट एंड स्मूथ. आप इसके साथ का जो कंडीशनर और शैम्पू आता है वो आप ट्राई कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली उतना शैम्पू कंडीशनर जो है वो पसंद नहीं आया. ऑल्दो द शैम्पू इज वेरी वेरी नाइस, बट मेरे को हेयर पे कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं लगा, मेरे को थोड़ा सा फ्रिजीनेस लग रहा था अपने हेयर में, इसलिए मैंने यूज नहीं किया, बट द कंडीशनर इज वेरी नाइस. लेकिन आई लव दिस हेयर ऑयल सो मच, अगर मुझे एक हेयर ऑयल इस टाइम पे पिक करना होना विच गिव्स अमेजिंग रिजल्ट, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिकमेंड दिस वन. अगर आपके बाद बाल बहुत ज्यादा ड्राई है तो यू शुड ट्राई दिस वन वंस. शैम्पू विच आई एम करंटली लविंग 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 इज दिस वन. दिस इज द बायोलॉज मैट्रिक्स का स्कैल्प प्योर. इट हैज एंटी डैंडर्फ प्रॉपर्टीज इन इट. पैकेजिंग छोटी है बट अगर हम उसको ध्यान ना दें, इट हैज एन अमेजिंग अमेजिंग फ्रेग्रेंस. वाई आई लाइक दिस सो मच, आई हैव एन वेरी इची स्कैल्प, लाइक मेरे को बहुत ज्यादा इची हो जाती है स्कैल्प, बहुत जल्दी ऑयली हो जाती है. तो बिकॉज दिस इज स्कैल्प प्योर, ये आपकी स्कैल्प को अच्छे से क्लीन कर देता है, एट द सेम टाइम जो डैंड्रफ वगैरह की दिक्कत होती है उसको भी बहुत हद तक रिमूव कर देता है, एंड योर हेयर फील सो नाइस आफ्टर दिस. और इसको मैं पेयर करती हूँ इसके साथ, दिस इज अगेन फ्रॉम बायोलॉज, दिस इज द स्मूथ प्रूफ कैमिलिया कंडीशनर. इट स्मूदन्स फ्रिजी हेयर एंड ट्रस्ट मी इट really does. I have most frizzy hair. मेरे बाल धोने के बाद ऐसे हो जाते हैं ना, and now you can take a look at that bounce, that shine in my hair. Even though मेरे बाल colored है, और colored hair बिल्कुल भी इतने shiny और smooth नहीं लगते हैं, but this works so amazing. ये combo मेरे को बहुत ही ज्यादा amazing लगा है. इसका नाम मैं एक और भी बहुत जल्दी combo try करने वाली हूँ, उसका result भी मैं आपको बहुत जल्दी share करूंगी. लेकिन trust me, अगर आपकी scalp बहुत ज्यादा oily हो जाती है और frizzy hair रहते हैं आपके, you should try this combo once, or do let me know in the comment section अगर आपने ट्राई किया और ये आपके ऊपर कैसा वर्क किया है. एंड या गाइस दैट्स इट, ये थी मेरी कुछ रिकमेंडेशंस स्किन केयर और हेयर केयर रिकमेंडेशंस जो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बोलने वाली हूँ, एक बार ट्राई करना मेरे कहने पे, यू आर गोइंग टू लव दिस सो 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 मच. अगेन मेकअप रिकमेंडेशंस जो पार्ट वन वीडियो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और इस सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो. एंड या दैट इज इट, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. इफ यू डू प्लीज नॉट फॉरगेट टू गिव दिस शेयर. If you do, please do not forget to give this video a like, share with your friends and subscribe to my channel. I'll meet you in the next video. Till then, bye-bye.